एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में। देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जब आप बात कर रहे थे, तो वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल में हम लोगों ने आपके ये तीनों मेथड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कंप्लीट हो चुका है, सुपर प्रॉफिट मेथड भी कंप्लीट हो चुका है, और आपका कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपने दो मेथड पढ़े थे, एक था आपका एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड और दूसरा क्या था, आपका सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने आपको दो स्टेप बताए थे, एक स्टेप आपका था कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट और दूसरा आपका था कैलकुलेट द गुडविल अमाउंट। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपने चार स्टेप पढ़े थे, और चार स्टेप पढ़ने से पहले आपने ये एबनॉर्मल इवेंट और नॉर्मल इवेंट को समझा था। और सुपर प्रॉफिट मेथड में आपने चार स्टेप पढ़े थे, जिनमें पहला स्टेप आपका क्या था, कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट या करंट प्रॉफिट, दूसरा आपका क्या था, कैलकुलेशन ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट। और इस कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला आपका क्या था कि कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का भी एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, देन गुडविल आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड में आपने एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में आपने चार स्टेप पढ़े थे, चार क्या देखा जाए तो तीन स्टेप थे, कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, और दूसरा कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड और तीसरा आपका गुडविल अमाउंट था। फिर उसके बाद सुपर कैपिटलाइजेशन में जो फॉर्मूला था वो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, और यही आपका गुडविल का फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप अपना गुडविल का कैलकुलेशन निकाल लेते थे। ये आपका देखा जाए तो मेन मेथड होते हैं गुडविल की कैलकुलेशन के। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा दो मेथड हैं, और वो दो एक्स्ट्रा मेथड हम कौन से हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाइए, वहाँ से आप अपना प्रीवियस का लेक्चर का जो लिंक है वो आप वहाँ से देख सकते हैं, पुराना आप लेक्चर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड को। तो बहुत जल्दी से आप लोग हेडिंग डालिए, बता दीजिए ज़रा मुझे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मैथड, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मैथड। देखो, एवरेज प्रॉफिट मैथड का ये न्यू वर्जन है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मैथड का ये आपका क्या है, न्यू वर्जन है। जैसे एवरेज प्रॉफिट में तो आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते थे, लेकिन जब आप वेटेज की बात करते हो, जब आप किसकी बात करते हो, तो वेटेज की बात करते हो, तो यहाँ पे आपको वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, जैसे सपोज करो कि आपको प्रॉफिट दिया है 2016, 2017, 2018, 2019, ठीक है, ये चार साल का आपको प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितना है, 2016 का 1,20,000, 17 का 1,25,000, 18 का 1,30,000 और 19 का 1,50,000। देखिए, जब वेटेज एवरेज की बात करोगे आप, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा। और वेट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो गुडविल का वैल्यू होगा वो आपका साल दर साल क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर गुडविल का वैल्यू अगर एक मानूँ, तो दूसरे साल क्या आपका गुडविल का वैल्यू एक ही रहेगा, नहीं, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो हम इसे नंबरिंग क्या दे सकते हैं, दो दे सकते हैं। फिर अगर हम तीसरे साल की बात करें तो गुडविल का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर हम गुडविल को क्या कर रहे हैं, वेट दे रहे हैं, वेट यानी भार दे रहे हैं। तो हर साल गुडविल का वैल्यू क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा कि नहीं बढ़ता रहेगा, ऑब्वियसली बढ़ता रहेगा। तो आपने यहाँ पे वेट दे दिया, वेट क्या दे दिया, 1, 2, 3, 4, चार साल का प्रॉफिट यानी चार। अब फिर उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा वेटेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और वेटेज प्रॉफिट का जो हमारा फॉर्मूला होता है, लिखिए ज़रा मेरे साथ,
वेटेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका प्रॉफिट इनटू, लिखिए ज़रा, प्रॉफिट इनटू वेट, प्रॉफिट इनटू वेट, यानी प्रॉफिट इनटू वेट कितना, 120,000 इनटू वन, कितना आ जाएगा बेटा, 120,000 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम वेटेज प्रॉफिट दूसरे साल का निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 125,000 गुणे दो, कितना आ जाएगा आपका, गुणा करके बताएंगे, 125,000 यानी 250,000। ठीक है, दूसरे साल का वेटेज प्रॉफिट। फिर तीसरे में क्या होगा, 130,000 गुणे आपका क्या, 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3,90,000 रुपया। अच्छा इसमें कितना हो जाएगा, 150,000 गुणे आपका क्या, 4, तो 40 तो ऐसे ही उतार लीजिए, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, 4, 20, हाथ गया 2, 4, 2, 6, यानी 6,00,000। तो अब जब आप इन सब को जोड़ोगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका वेटेज प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, टोटल वेटेज प्रॉफिट। टोटल जरा जोड़कर बताइए कितना आएगा आपका, टोटल आएगा कितना, 120,000 प्लस 250,000 प्लस 390,000 प्लस 6,00,000, और आपका प्रॉफिट आ जाएगा आपका 13,60,000 रुपया, 13,60,000 रुपया। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप लिखिए, कैलकुलेट, कैलकुलेट एवरेज वेटेज प्रॉफिट, एवरेज वेटेज प्रॉफिट, कैलकुलेट एवरेज वेटेड प्रॉफिट, और फॉर्मूला क्या है, वेटेड प्रॉफिट, वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड टोटल वेट, डिवाइडेड टोटल वेट। अच्छा टोटल वेट कैसे निकलेगा, अरे भाई जो आपका वेट आपने यहाँ पे दिया है, जब आपने इन सब को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आपका टोटल वेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, जोड़िए ज़रा, कितना आ जाएगा आपका टोटल वेट कितना आ गया, 10। तो आपका एवरेज वेटेज प्रॉफिट कितना आएगा, एक बार ज़रा आप जल्दी से बताएंगे मुझे, कितना आएगा, 13,60,000, 13,60,000 डिवाइडेड कितना आपका, 10, 0, 0 काटा मैंने, कितना आ गया आपका, 136,000 आ गया आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट। क्या सर यही गुडविल है, नहीं ये गुडविल नहीं है, क्योंकि आपको दूसरे स्टेप का वेट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है हमारा क्या, कैलकुलेट गुडविल अमाउंट, और इसका फॉर्मूला है क्या आपका, एवरेज वेटेज प्रॉफिट, एवरेज वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 2 साल है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका कितना है, 2 साल है, तो यहाँ पे 1,36,000 रुपया, तो आपका गुडविल कितना आ जाएगा, 1,36,000 गुणे 2 यानी 2,72,000 रुपया आपका ये आ जाएगा गुडविल इन केस ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट। जब आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो आपको सिंपल से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो आपका प्रॉफिट है उसको आपको वेट देना पड़ेगा, और वेट कैसे देंगे, सीक्वेंस से आप 1, 2, 3, 4, 5 का सहारा ले लीजिएगा। फिर आपको वेटेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और वेटेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, आप जो आपका प्रॉफिट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, जो आपने वेट दिया है, फिर आपका वेटेज प्रॉफिट आ जाएगा, और जब आप इन सबको जोड़ोगे आपका टोटल वेटेज प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप अपने इसको फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर टोटल शब्द ज़रूर लिख लीजिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड टोटल वेट आपका क्या आ जाएगा, एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बातें समझ में आ गई, चलिए फिर अब अगला पॉइंट, अगला हेडिंग डालिए ज़रा, अगला हेडिंग डालिए। तो ये हो गया आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए, गुडविल इज़ अ कैलकुलेटेड बाई एन्यूटी मैथड, गुडविल
गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय एन्यूटी मेथड, बाय एन्यूटी मेथड। ये एन्यूटी मेथड क्या होता है? देखो एक चीज जानो यार, एन्यूटी को हम लोग कहते हैं वार्षिकी। एन्यूटी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका वार्षिकी। तो आपको अगर एन्यूटी देना है, जैसे एन्यूटी से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एन्यूटी वाला आपको लिखा रहेगा, एन्यूटी रेट आपको क्या किया रहेगा, मेंशन रहेगा। उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, रुकिए, एन्यूटी का एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं आपकी किताब का। आपकी किताब में क्वेश्चन है कि नहीं है, एक बात बताओ। एक क्वेश्चन तो है यार, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। मिला क्वेश्चन? बताइए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, जरा क्वेश्चन लिखिए। वैल्यू ऑफ गुडविल इज अ कैलकुलेट, ये तो आपने लिख ही लिया है। तो ठीक, सेम यही क्वेश्चन जो ऊपर वाला था, ठीक है, लिखिए जरा। 2016 आपका प्रॉफिट है 120,000, 2017 आपका प्रॉफिट है 125,000, 2018 आपका प्रॉफिट है 130,000 और 2019 आपका प्रॉफिट है 150,000। कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 5,00,000 रुपया और रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न है आपका 20%, रेट ऑफ रिटर्न है आपका कितना, 20%, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी है, वो आपको सुपर मेथड वाले पॉइंट से सॉल्व करना है, वो भी सुपर मेथड का कौन सा, एन्यूटी मेथड। यानी अगर सपोज करिए ये शब्द यहाँ पे ना मेंशन होता, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मेंशन ना होता, तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, उस एवरेज प्रॉफिट से आप अपने एन्यूटी रेट को डिवाइड कर देते, गुणा कर देते, आपका आंसर आ जाता, आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। अब यहाँ पे तो आपको एन्यूटी रेट दिया ही नहीं है सर, एन्यूटी रेट तो हमको दिया ही नहीं है सर, कैसे पता करेंगे? तो देखो, एन्यूटी रेट अगर आपको दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है तो एन्यूटी रेट फाइंड आउट करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा प्रश्न में, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा, मैंने नहीं लिखा लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज लिख लीजिए 3 साल, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे लिख लीजिए कितना, 3 साल, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका कितना है, 3 साल है, ठीक है। यानी ये जो 20% है, इस 20% को आपको 3 साल का एन्यूटी रेट फाइंड आउट करना है,
इस 20% को आपको 3 साल के एन्यूटी रेट में क्या करना है बाबू, फाइंड आउट करना है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा? देखो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 1/100 प्लस रेट, ठीक है, उसके बाद प्रेस परसेंटेज और जितनी साल का आपको एन्यूटी रेट पता करना है, जितने साल का आपको क्या पता करना है, एन्यूटी रेट पता करना है। अगर 1 साल का पता करना है तो 1 बार दबाइए, 2 साल का पता करना है तो परसेंटेज को कितनी बार दबाइए, 2 बार दबाइए, और परसेंटेज अगर 3 बार का पता करना है तो परसेंटेज को कितनी बार दबाइए, 3 बार दबाइए, और आखिरी में क्या दबा दीजिए, जीटी दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए आप, जीटी दबा दीजिए, जीटी यानी ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो अब अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज आपका कितना आएगा जरा बताइए मुझे, 1/100 + 20 यानी कितना आ जाएगा आपका, 1/120, और परसेंटेज कितने साल का हमको नंबर ऑफ ईयर चाहिए, 3 साल का। तो आप यहाँ पे 3 बार परसेंटेज प्रेस करिए, कितना आएगा, 1/102, और फिर देखो मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ, मैंने पहले क्या दबाया, 1 दबाया, क्या दबाया मैंने, 1 दबाया, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर यहाँ पे है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद कैलकुलेटर होता है, शायद नहीं दिख रहा है कैलकुलेटर, इंसर्ट कैलकुलेटर नहीं है ना, होम में एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, नहीं कैलकुलेटर नहीं है ना, नहीं है, कोई बात नहीं। देखो स्क्रीन पे देखो, मेरे कैलकुलेटर की स्क्रीन पे देखो, मैंने सबसे पहले क्या दबाया, 1, अब भी 1 दबा लीजिए, फिर बराबर मतलब बटे वाला साइन वो उसको प्रेस करिए, भाग वाला साइन प्रेस करिए, मैंने कर दिया यहाँ पे 1/100 और कितना, 120 ना, 120 प्रेस करिए, 120 प्रेस किया, फिर परसेंटेज कुछ मत प्रेस करिए, सिर्फ परसेंटेज प्रेस करिए। पहली बार आप परसेंटेज प्रेस करेंगे कितना आएगा आंसर, पहली बार परसेंटेज प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 0.8333 करके आएगा, और आपको कितनी बार चाहिए, 3 बार चाहिए ना, तो 1 बार तो हो चुका है, 2 बार और दबाइए, 1 दोबारा दबाएंगे तो आपका आएगा 0.6944 आएगा, तिबारा दबाओगे तो फिर आएगा 0.57870 आएगा, है ना। अब आप एक काम करिए, जीटी दबा दीजिए, तो जीटी जैसे ही दबाएंगे आपका आंसर आ जाएगा 2.1064, 4 की जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और आपका ये आ गया एन्यूटी रेट फॉर द 3 ईयर। तो अगर एन्यूटी रेट दिया है तो अच्छी बात है, अगर एन्यूटी रेट दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो इस तरीके से आप उसको क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करें, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए, एवरेज के बाद आप सुपर निकालिए, और सुपर निकालने के बाद फिर ये जो आपका पॉइंट अमाउंट आया है 2.1065, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट, पहला स्टेप हमारा है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालिए जरा जल्दी से सभी लोग, कितना आएगा, 120,000 प्लस 125,000, 1 लाख कितना, 25,000 प्लस 130,000 प्लस 150,000, डिवाइड कर देंगे किससे, 4 साल, कितना आएगा आपका भाई, 120,000 प्लस 125,000, 125,000 प्लस 130,000 प्लस 150,000, आ जाएगा आपका 525,000 डिवाइडेड 4। हाँ मैंने गलत डिवाइड कर दिया, गलत ऐड कर दिया क्या,
1,20,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,50,000, 5,25,000 ही तो आएगा। चेक करिए, 5,25,000 भैया डिवाइडेड फोर, ये आ गया 1,31,250। अब देन उसके बाद आप क्या निकालिए अपना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा था आपको, 5 लाख। तो 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% यानी आपका कितना आ गया, 1 लाख आ गया, है ना। फिर आप निकालिए अपना सुपर प्रॉफिट, तो कितना, 1,31,250 माइनस 1 लाख, बैलेंस कितना आ जाएगा, 31,250। अब आपको एन्यूटी से फाइंड करना था, तो गुडविल निकाल लीजिए, क्या होगा सुपर प्रॉफिट इनटू एन्यूटी रेट, ठीक है। और अगर मान लीजिए एवरेज वाला होता, देखो इसके आगे क्या करना है, इसके आगे सिंपल सा आपको क्या करना है कि जो आपका रेट यहाँ पे मेंशन था, जो अभी अब आपको मैंने रेट फाइंड आउट किया था ना, इस रेट को ले जाके अपने सुपर प्रॉफिट में रखना है और इनटू करके आपका गुडविल अमाउंट क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। तो एन्यूटी रेट, एन्यूटी मैथड में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। समझने लायक एक ही चीज़ थी कि आप एन्यूटी रेट अगर नहीं दिया है तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।